नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल डिस्टेक इन्फो में। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम तीन मुख्य अपडेट जानेंगे जो YouTube की तरफ से अभी आए हैं। तो YouTube की तरफ से तीन मुख्य अपडेट क्या हैं, आपने देखा होगा आज YouTube पे सुबह से यही चल रहा है। तो क्या है वो तीन मुख्य अपडेट, और सबसे पहले अपडेट के बारे में हम जानेंगे। दोस्तों, जब 2010-11 में हम YouTube पर वीडियो डालते थे, तो उस समय पर YouTube पर जब वीडियो डालते थे तो वीडियो पे ऐड चल जाता था, यानी चैनल हमारा मोनेटाइज हो जाता था और अर्निंग शुरू होती थी। तो दोस्तों, बाद में फिर YouTube में थोड़ा चेंज हुआ और उसके बाद में 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटे का वॉच टाइम YouTube ने एक टारगेट दे दिया क्रिएटर के लिए। लेकिन अब जो सुनने में आ रहा है, न्यूज़ जो आ रही है, उसमें क्या हुआ कि YouTube का आपस में एक मीटिंग हुई है और मीटिंग के बाद उन्होंने एक निर्णय लिया है कि 2023 में क्या करेंगे, 2023 में वो YouTube में थोड़ा सा चेंज करेंगे जो हमारा वॉच टाइम है और जो सब्सक्राइबर। तो सब्सक्राइबर अभी 1000 है, तो शायद वो कम कर दें उनको। ख़त्म तो मुझे लगता नहीं है कि ख़त्म करेंगे, ख़त्म नहीं करेंगे, लेकिन सब्सक्राइबर को कम कर सकते हैं और वॉच टाइम को भी कम किया जा सकता है। तो नए जो क्रिएटर हैं उनके लिए बहुत ही अच्छी अपडेट है कि अगर उनका टारगेट नहीं पूरा हो पाता और वो फिर निराश और हताश हो जाते हैं और यूट्यूब को छोड़ देते हैं, तो उनके लिए बहुत ही अच्छा है। वो दोबारा से कोशिश करें, मेहनत करें, तो वो अब यूट्यूब पर सफल होने के उनके चांस रहेंगे। तो दूसरी जो अपडेट है, दूसरी अपडेट क्या है, जो शॉर्ट चैनल होते हैं, शॉर्ट चैनल में शॉर्ट फंड दिया जाता था क्रिएटर को, तो शॉर्ट फंड ही मिलता था और वो भी उसको मिलता था जिसके बहुत ही ज़्यादा चैनल पे व्यू आ जाते थे, मिलियन में आते, 5-10 मिलियन आते थे, तो तब जाके वो शॉर्ट फंड मिलता था। किसी को मिलता था, किसी को नहीं मिलता था। यूट्यूब ने अब ये किया कि जैसे हमने शॉर्ट वीडियो देख रहे हैं, 5-10 वीडियो के बाद एक ऐड आएगा और ऐड का जो रेवेन्यू होगा, मान लीजिए आप उसने यूट्यूब ने 10 वीडियो दिखाई और 10 के बाद एक ऐड आया, तो जो ऐड का जो रेवेन्यू होगा 10 में बांट दिया जाएगा आपस में, ठीक है। एक तो ये अपडेट है, और इसमें क्या है, जो हमें रेवेन्यू मिलेगा वो 45% मिलेगा और 55% यूट्यूब रखेगा। जनरली जो हमारी लॉन्ग वीडियो होती है वहाँ पर यूट्यूब 55% क्रिएटर को देता है और 45% खुद रखता है, तो यहाँ पर ऐसा नहीं होगा। लेकिन ना मिलने से बेहतर है कि 45% ही मिलेगा शॉर्ट वीडियो में, तो बहुत अच्छी बात है। और तीसरी जो अपडेट है, तीसरी अपडेट उनके लिए है जो कि डांस वीडियो बनाते हैं या फिर बैकग्राउंड म्यूजिक अपनी वीडियो में लगाते हैं, तो वहाँ पर कॉपीराइट आने के चांस रहते थे और कॉपीराइट आ भी जाता था बहुत सी वीडियो पर। लेकिन अब क्या होगा, कुछ म्यूजिक ऐसे होंगे कि उन पर कॉपीराइट नहीं आएगा या फिर बहुत ही कम उनके चांस रहेंगे कॉपीराइट आने की, क्योंकि YouTube ने म्यूजिक कंपनी के साथ में कुछ टाइप किया है जिससे कि उसमें कॉपीराइट वो म्यूजिक कंपनियां नहीं देंगी। तो दोस्तों, आज के तीन मुख्य अपडेट थे जिनके बारे में मैंने आपको जानकारी दी। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।